कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। गाइस आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि रहेगा आप सभी को OTG कैसे ऑन करें, कैसे मतलब OTG जो रहता है मॉडर्न USB उसको हम अपने फ़ोन में कैसे लाएं, जो कि तो कैसे करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। और काफ़ी दिन हो गए मेरे और काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, लगभग एक महीना हो चुका है। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आ जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। यहाँ पर अगर कोई भी फ़ोन हो तो यहाँ पे जब सेटिंग में आ जाओगे तो आप सभी को फ्रंट में ही आप सभी को OTG दिख जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑन फ्रंट यहाँ पर OTG दिख जाएगा। तो अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ लिखा है ना अनेबल OTG टू सपोर्ट USB। ये जो USB है OTG है वो USB को सपोर्ट करने के लिए। तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम ये जो USB रहेगा उसको हम OTG में लगाएंगे, फिर ये जो OTG है अपने फ़ोन के चार्जर पिन में लगाएंगे। तो ठीक है, जब हम चार्जर पिन में लगाने के बाद फिर हमें ये ऑन कर देना है, या फिर आप ऑन करके लगाइए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो लगभग कुछ सेकंड समय लगता है ऑन होने में। तो ठीक है, यहाँ पे आप सभी को दिख जाएगा। तो यहाँ नीचे करोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है OTG हैज कनेक्टेड। यहाँ देखो दोस्तों OTG हैज कनेक्टेड और OTG का ऑप्शन यहाँ पे। अगर आप सभी को ये OTG का ऑप्शन देखना है कहाँ पे उसे होगा तो दिखा दे रहे हैं आप सभी को। तो यहाँ फाइल मैनेजर में जाओगे तो फाइल मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करना। ठीक है, ऑल फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को OTG ऑप्शन शो करने लगेगा। तो फिर उसके बाद आप इसको क्लिक करके चला सकते हो, इसमें जो भी आपके फाइल डाटा जो भी है आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर चेक करना है आप सभी का कि कितना GB OTG है ये, तो आप सभी को फिर उसके बाद सेटिंग में आना है। तो सेटिंग में आने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद हमें मोर सेटिंग है। मोर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हमें स्टोरेज दिखता है, स्टोरेज दिखता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे OTG का ऑप्शन भी है यहाँ पर, देखो ये रहा। तो ठीक है, यहाँ पे OTG है, नीचे आएंगे तो OTG आएगा ना। तो यहाँ देखो दोस्तों टोटल स्पेस 57 GB, जो कि 64 GB का मेरा पेन ड्राइव है। तो 64 GB का पेन ड्राइव है तो अवेलेबल सिर्फ 5 ही GB अवेलेबल है। कितना 5 GB का सब फाइल हम अपने फ़ोन में रख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं OTG को यहाँ से। अगर फॉर्मेट कर देंगे तो सारा USB का आप सभी का जितना भी डाटा रहेगा फाइल रहेगा सारा डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसी तरीके से आप फाइल मैनेजर में जाके अपना OTG का जितना भी कुछ काम रहेगा तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दो ताकि अब हर रोज़ वीडियो पाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय।